नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। भारत में सबसे शांत माने जाने वाला जिला अगर किसी को बताया जा सकता है तो वह जिलों का शहर उदयपुर है। लेकिन पिछले कुछ समय से न जाने किसकी लगी है नज़र, जिसके चलते विश्व पटल पर अपनी सौंदर्यता के साथ ही शांत छवि के लिए जाने जाने वाला यह शहर खराब होते आपसी भाईचारे के तहत अपनी बेहतर छवि को तार तार करता हुआ नज़र आ रहा है। मुस्लिम कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार बीती 11 तारीख को दोपहर करीब 4 बजे कुछ अज्ञात युवक कार में सवार होकर सबीना कब्रिस्तान के यहाँ पहुँचे, जहाँ पहले उनमें से एक युवक ने कब्रिस्तान में प्रवेश किया और वहाँ बने एक धार्मिक स्थान पर के पास पेशाब करने का प्रयास किया। कमेटी मेंबर्स की रिपोर्ट के अनुसार कब्रिस्तान में कार्यरत अंसार मोहम्मद ने जैसे ही उसने धार्मिक स्थान के पास पहुंच अपने पेंट की जीप खोली और पेशाब करना चाहा, वैसे ही मौके से वह चिल्लाया तो बाहर से गाड़ी में बैठे हुए आपराधिक प्रवृत्ति के युवक और अंदर आ गए, उसके साथ मारपीट करने लगे। वहीं कब्रिस्तान में कार्यरत और भी युवक मौके पर पहुंचे, ऐसे में गाड़ी में सवार होकर आए अज्ञात युवक मौके से फरार हो गए। हालांकि कब्रिस्तान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में सारा मामला कैद हो गया है, जिस पर मुस्लिम संप्रदाय के मौतबी लोगों ने सबीना थाने पहुंच मामला दर्ज करवाया है। वहीं दूसरी ओर ऐसी ही एक घटना शहर के चेटक, जहां आज शुक्रवार को अज्ञात युवकों ने कब्र पर चढ़े फूलों को हटा गुलाल डाल दी व साथ ही जानवर के अवशिष्ट पदार्थ भी कब्र पर डाल दिए, जिसमें मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने आक्रोश है। वहीं अज्ञात आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के विरुद्ध मामला भी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि मृतक युवक के परिजनों के थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसके आधार पर मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। कब्रिस्तान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फोटो, जिसको भी खंगाला जा रहा है, और उससे सामने आने पर आरोपी व्यक्ति पर उचित कार्रवाई की जाएगी।